पश्चिम बंगाल चुनाव में चार चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब चार चरणों के चुनाव और बाकी है। ऐसे में ममता बनर्जी ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी कमर कस ली और चुनाव आयोग की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बाद अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच बंगाल की सियासत में भाजपा के लिए कई मुश्किलें खड़ी करने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। दरअसल बंगाल चुनाव के बीच लगातार ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है जिसमें मतदाताओं को खुलेआम धमकाया जा रहा है। पहले तो केंद्रीय सुरक्षा बलों के बल पर भाजपा मतदाताओं को जबरन अपने पक्ष में वोट दिलवा रही थी, लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें भाजपा नेता और उसके प्रत्याशी तो मतदाताओं को बलात्कार करने तक की धमकी दे रहे हैं। वीडियो बाराबनी का बताया जा रहा है जिसमें स्थानीय लोगों ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी अरिजीत रॉय ने वहां के मतदाताओं को धमकाया कि भाजपा को वोट नहीं दोगे तो रात को आकर बलात्कार करूंगा, भाजपा स्वर्णिम बंगाल बनाएगी। ओए बोले छ जो हमरा बोललम जल ना पेले वोट दिबो ना। हां दिस नाइट रेते डुबो दिने ना ढुकते देवाते राते ढुकबो बोले छे। हां अच्छा आर की बोले छे? আর বলেছে যদি আমরা সিট যদি আমরা সিটে যদি বসি তোমরা ছিলাগুলো তোদের পড়ছে শুয়ে করতে যাবি না আমার কাছে। খারি পহলি মর্তবা নেই যে ভাজপা নেতাওনে ইস তরহ সে ধমকায়া হো। ইসসে পহলে ভি মেনকা গান্ধী ও সাক্ষী মহারাজ জেসে নেতাওন কে ভিডিও সামনে আ চুকে হ্যায়। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के चुनावी जंग में बयानबाजी और तेज होती जा रही है। मंगलवार को ममता बनर्जी ने बारासात में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, बंगाल गुजरात नहीं बन सकता, मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं। शनिवार को सूबे के पांचवें चरण के चुनाव होने हैं और ये चरण ममता बनर्जी के लिए बेहद अहम है। शनिवार को पांचवें चरण के लिए बंगाल की 45 सीटों पर चुनाव होंगे। बता दें कि इस चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव हो रहा है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि जिन 45 सीटों पर पांचवें चरण में मतदान होगा वहां 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को टीएमसी की तुलना में ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के वोटिंग पैटर्न अलग अलग होते हैं। लिहाजा ममता बनर्जी को इस चरण से कई उम्मीदें हैं क्योंकि इससे पहले कि विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लिहाजा मतदाताओं का क्या रुख रहेगा ये तो 2 मई को ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट द फैक्ट इंडिया।